तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दो दिवसीय साहिबगंज दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तैयारी कर चुका है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने यहां पर एसपी अनुरंजन के स्पुट्टा के साथ पटना प्रखंड स्थित फुटबॉल मैदान में बने हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान तैयारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं और विधि व्यवस्था की जानकारी मिली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम का प्रोग्राम अपने विधानसभा क्षेत्र में है, वो रात्रि विश्राम भी करेंगे और दूसरे दिन कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे और लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा करने का प्रयास भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री ऐसे प्रवास पे जिस तरीके से निकले हैं और इसको लेकर संथाल के साथ ही धनबाद, साहिबगंज हर जगह पे जो प्रशासनिक अमला है वो तैयार हो गया है, पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी कुछ देर पहले तिलमच्चो से वो निकले हैं धनबाद होते हुए। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम का हमको सूचना मिला है, 21 तारीख को यहाँ पर पटना में स्थित तलवड़िया फुटबॉल ग्राउंड में हम लोगों ने हेलीपैड बनाया है, वहाँ से अपने निवास स्थान आएंगे और अपना कार्यक्रम के साथ में जैसा कि अभी बताया जा रहा है, कुछ कार्यकर्ता लोगों से लोग भेंट करेंगे। उसके बाद 22 को 2:30 बजे